एक गाना है जिसका नाम है गैया। काहे मुझे बकरा बनाया, काहे मुझे मुर्गा बनाया, अरे काहे मुझे बकरा बनाया, काहे मुझे मुर्गा बनाया, यूं ही मार दीजो अपने जन्म में बोले कैया दीजो। काहे मुझे बकरा बनाया, काहे मुझे मुर्गा बनाया, काहे मुझे ब्लैक बक बनाया, काहे मुझे भैंस बनाया, क्यों ही मार दीजो अगले जन्म में होए कैया दीजो। प्लास्टिक खा के जीती है आज, गंदा पानी पीती है, सिग्नल पे बैठे बैठे उसकी उम्र बीती है। काहे मुझे अखलाक बनाया, काहे मुझे रोहित बनाया, जिंदकार की जो अगले जन्म में होए कैया दीजो, अगले जन्म में होए कैया दीजो। ये राहुल राम इतने कमीने आदमी हैं कि लोग इनसे बाहर सेल्फी खिंचवाते हैं तो ये पेटीएम दिखा देंगे, पेटीएम कर दो 8 रुपये इसमें तब फोटो चलता है। और टीम का साथ कौन था डिमोनेटाइजेशन की बात से उसको 8 रुपये दिल्ली में डिस्काउंट। तो डिमोनेटाइजेशन की थोड़ी बात करते हैं। हम सब लोगों को बताया गया था कि आगे जाके कुछ अच्छा होगा, आगे जाके कुछ अच्छा होगा। तो मैं वेस्टर्न यूपी में इलेक्शन के टाइम पर घूम रहा था तो वहाँ सब गरीब गरीब लोग बोल रहे हैं कि आगे जाके अच्छा होगा। मैं और आगे चला गया। मैंने कहा भाई कितना आगे जाना पड़ेगा कि अच्छा होगा। मुझे बाद में समझ में आया कि 104 रॉकेट छोड़े थे इन्होंने अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो वो शायद ढूंढ के आ रहे कि वहाँ जाके कहीं अच्छा तो नहीं हो गया, क्योंकि इस प्लेनेट पे तो नहीं होने वाला डिमोनेटाइजेशन से कुछ अच्छा। बट इफ़ यू लुक एट इट, अभी हमारी सरकार बड़ी मज़ेदार है। पहले इन्होंने हमको बताया कि आप क्या खाओगे ये हम बताएंगे, फिर इन्होंने हमको बोला कि आप किससे प्यार मोहब्बत शादी करोगे ये भी हम बताएंगे, लव जिहाद नहीं होने देंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमको बोल दिया कि तुम सबके सब ना क्या हो, तुम्हारी औकात हम बता, तुम खड़े रहोगे, और हम खड़े भी हो रहे हैं। ठीक है, अब मतलब अब ये प्लेट में भी घुस गया कि खाना कितना होगा ये हम बताएंगे, कितना तुम खा सकते हो। तब देख रहे हो प्रोग्रेशन किस तरफ हो रहा है, कल कोई आपके बेडरूम में भी घुसेंगे, फिर बिफोर एनी एक्शन ही आपको बोलेंगे कि पहले आधार कार्ड लेके आओ यार, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा आपको साहब के ऑफिस में जाके, एंड विद एवरी थ्रस्ट यू हैव टू से भारत माता की जय, क्योंकि अगर आप नहीं कहोगे तो कोई चूतिया आके जरूर बोलेगा सालों वहां स्थानिक मर रहे तुम ये चुताई कर रहे हो। और फिर आपको ऑफिस में जाके सरकारी दफ्तर में जाके यहाँ पे उंगली पे निशान लगवाना पड़ेगा, इंक लगानी पड़ेगी कि अब 3 हफ्ते तक आपका आपकी दुकान बंद है, एंड द ग्रेट लीडर विल से मैंने इनकी चीनी बंद कर दी। सो ये डिमोनेटाइजेशन का ऐसा धक्का लगा है हमको, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं देश के लिए बड़ा अच्छा हुआ है। तो ज़्यादा बात करने से अच्छा है कि गाने में इसको हमने डिमोनेटाइजेशन के सारे इशू को इकट्ठा किया है, वो गाना ये पेटीएम राहुल पेश करेंगे आपके सामने। पेटीएम राहुल साउथ इंडियन।
दिस इज अ सॉन्ग अबाउट डिमोनिटाइजेशन, जो हमने जब रिलीज किया तो पहले 5 मिनट में अरविंद केजरीवाल ने रिट्वीट कर दिया उसको, उसके बाद से हमारी वाट लग गई। हाँ आप लोग मोदी जी खेचो देश की बोली जी, अरे बाजार में तुमने अरे सबकी खुल के धो दीजी, मोदी जी खेचो देश की बोली जी, अरे बाजार में तुमने सबकी खुल के धो दीजी। आपने बोला डीमोनेटाइज पूरा नेशन कटुसाइज, आपने बोला डीमोनेटाइज पूरा नेशन कटुसाइज, काले धन पे अटैक ये प्रोनाउंस कर दिया, अजब लगी लंबी लंबी लाइन आपने फिर से बदली लाइन, जब लगी लंबी लंबी लाइन आपने फिर से बदली लाइन, कैशलेस है प्रोजेक्ट ये अनाउंस कर दिया, मोदी जी कितनी लंबी खोदी जी, एलिवेटर की तुमने बस के कमरे खोदी जी, मोदी जी देश की बोली जी, अरे बाजार में तुमने सबकी खुल के खोदी जी, बाहर से लाते काला धन लेकिन बदल दिया है मन, बाहर से लाते काला धन लेकिन बदल दिया है मन, चेंज ऑफ कोर्स कर दिया हम पे फोर्स कर दिया, बायो एरो को सब छोड़ एंड लेट मी टेल यू व्हाट फॉर, बायो एरो को सब छोड़ एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज मोर, फंडिंग का सवाल आउट ऑफ कोर्स कर दिया, मोदी जी जो लेते इकोनॉमिक जी पूरा था पॉलिटिकल, नाउ वेलकम योगी जी, योगी जी योगी जी व्हाट अ लवली एचपी जी, डेमोक्रेसी की तुमने ऐसी तैसी कर दी जी, मोदी जी मोदी जी acknowledge that we have a fantastic leader in place. वो बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अभी पिछले दिन उन्होंने बोला था कि पार्लियामेंट में बोला गया राहुल गांधी को मालूम है उसके ऊपर इंटरनेट पे कितने जोक चल रहे हैं, तो मैंने बोला हमने अपने शो में बोला सर आपको ये मालूम है आपके ऊपर लाइव शोज चल रहे हैं। बीच में उन्होंने जुमला दिया था कि मैंने तो देश के लिए अपनी बीवी भी छोड़ दी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन इट्स नॉट कॉल्ड डंपिंग एनी मोर है। मैं भी देश के लिए कई बार छोड़ा जा चुका हूँ, उस टाइम मुझे बड़ा बुरा लगा था उन औरतों को पे, पर आज मेरे को बड़ी इज्जत होती है उनकी कि उन्होंने फाइनली मेरे को देश के लिए छोड़ा था, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बड़े बड़े अमेजिंग से आदमी। लेकिन बीच में हमने बात करी थी अभी ये नेशनल एंथम की, कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको बता दिया है कि तुम खड़े हो जाओ तो हम खड़े ही रहते हैं। हम ना वो बारात में वो घोड़ी होती है ना जिसके यहाँ पे बंधा होता है, हिंदुस्तानी वो कौम है कि उसके ये बंधा हुआ है यहाँ पे, वो तभी रुकता है जब बैंड बज रहा होता है, और जब बैंड रुक जाता है तो वो चलने लग जाता है। हम वो घोड़ी हैं, और हम इंडियंस एक चीज़ में दुनिया में हमने नाम कमाया है कि हम एक चुतियापा दो हम उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, इसमें हमने नाम कमाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई नेशनल एंथम पे खड़े होना है, ठीक है, तो हम खड़े होने लग गए, लेकिन लोग इसमें भी ड्रामे करने लग गए। मैं एक फिल्म देखने गया उसमें एक अंकल ऐसे करके खड़े हो गए, बाकी लोग डर गए कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कोई हाथ आधा हाथ उठा रहा है, कोई चौथाई हाथ उठा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। फिर दंगल फिल्म में वो नेशनल एंथम दोबारा बज गया, घोड़ी कंफ्यूज हो गई, आधे खड़े हो रहे हैं, आधे आधे खड़े हो रहे हैं, आधे चौथाई खड़े हो रहे हैं, कोई सीट के नीचे घुस रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो नेशनल एंथम की जो बेइज्जती नहीं होनी चाहिए थी वो बेइज्जती हमने कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि करो और हम कर रहे हैं। अच्छे से लोग बोलते तुम खड़े नहीं हो रहे हो यार। एक और नया इन्होंने फिल्म में वो कर रखा है कि बम ढूंढो अपनी सीट के नीचे, बम ढूंढो यार, पिक्चर देखने आए हो बम ढूंढने आए हो, पहले से ढूंढ के रख लो ना।
दो शो के बीच में टाइमिंग होती है, तो वो वरुण ग्रोवर जी क्या कहते हैं इसके बारे में वो बताता, अभी फिलहाल है नहीं, तो वो कह रहे हैं यार उसमें ऐड दिखाते हैं फिल्म में, फिल्म से पहले के एक गुड़िया बोल रही है कि बेटा 2 मिनट ही तो लगते हैं, यार आंटी तेरे पास खुद 1 मिनट है लाइफ में, उसमें तू बम ढूंढ रही है। फिर एक मुसलमान लड़के को दिखा देते हैं, कहते 2 मिनट ही तो लगते हैं, आप खुद ही बताओ किसी मुसलमान को आज इंडिया में बम मिल जाए बताएगा पुलिस को, वो लेके भाग जाएगा क्योंकि उसे ही पकड़ लेंगे, बता कहाँ से लेके आया तू तो। और ये अगर मान लो बम मिल गया, सीट के नीचे बम मिल गया और मैंने हाथ में उठा लिया, तभी नेशनल एंथम शुरू हो गया, फिर फट गया तो सारे देश के लिए मरेंगे। फिर एक नया नैरेटिव चल रहा है आजकल टीवी चैनलों पे, फौजियों को बुला लेते हैं कि फौजी लड़ रहे हैं, फौजी लड़ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम रोटी खा रहे हो, फौजी लड़ रहे हैं। फौजी कह रहा मुझे जूते दे दो पहनने के लिए, खाना ठीक से खाने को दे दो, बुलेट प्रूफ दे दो, वो कुछ नहीं, फौजी लड़ रहे हैं। और फौजी भी अपनी फौज की रैंक को ना कास्ट की तरह लेके चलता है, जैसे कास्ट पूरी जिंदगी आप कुछ भी कर लो उससे एग्जिट ही नहीं मार सकते, गाड़ी के पीछे जाट हरामखोर लिखते हैं जाट इन मूड, फौजी ऑल्टो चला रहा है सीएनजी की, उसके पीछे लिखा हुआ आर्मी, मेरे को उस आर्मी में कॉन्फिडेंस नहीं है जिस ऑल्टो सीएनजी पे आर्मी लिखा हुआ है उसने, क्यों लिखा हुआ है, कुछ लिखते हैं कैप्टन रिटायर्ड अमरिंदर सिंह, यार तुम रिटायर हो गए हो और कैप्टन रिटायर हुए हो तो कैसे फौजी हो सबको पता है, क्यों पब्लिक में बता रहे हो अपनी बेइज्जती कराने के लिए, फौजी लड़ रहे हैं फौज। हमारे गांव में कहते हैं कि जब बंदा फौज में भर्ती होता है तो उससे बंदूक ले लेते हैं और उससे अकल ले लेते हैं, उसको बंदूक दे देते हैं, और जब वो फौज छोड़ता है तो फिर से बंदूक भी ले लेते हैं, तो वो घूमता फिरता बिना अकल के बिना बंदूक के, और टीवी डिबेट्स में आके कहता है कि फौजी लड़ रहे हैं, फौजी लड़ रहे हैं, ये क्या मूछों वाला जीडी बख्शी, वो करता है इस तरीके की हरकतें। और भाई फौजी तो खुद ये सुन के परेशान है कि यार मेरे को क्यों घसीट रहे हो बीच में, यार पहली बात तो वो नौकरी कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उनके बच्चे सेंट्रल स्कूल में फौजी स्कूलों में फ्री पढ़ते हैं, बाकी लोगों के बच्चों को तो कुछ पढ़ने को भी नहीं मिलता है, कभी कोई बोलता है कि यार वो दलित तुम्हारे गटर साफ कर रहा है और तुम यहाँ पे ये नारेबाजी लगा रहे हो, कोई बोलता ही नहीं है, फौजी ऐसी क्या बात होगी यार। और लड़के खुद मर्जी से जाते हैं यूनिफॉर्म में, लड़कियाँ इंप्रेस होती हैं, अब बोले हो जाए इंप्रेस फिर वहाँ पे, क्यों रो रहे हो। मैं एक बार इंडोनेशिया से वापस आ रहा था, एक छोटा सा जहाज था, मैं सीट पे बैठा, मेरी टांगे आगे वाली सीट पे लग रही थी, तो पूछे आगे एक इंडियन फैमिली बैठी हुई थी, आंटी उससे खा गई तुम्हें बैठने की तमीज़ नहीं है, मैंने क्या हो गया, तो अंकल खड़ा हो गया, कहता है टॉक प्रॉपरली आई एम एन आर्मी ऑफिसर, मैंने कहा तो फिर अंकल यहाँ इंडोनेशिया में क्या कर रहे हो, जाओ उधर सियाचिन में, आई एम एन आर्मी ऑफिसर, मैं कॉमेडी करता हूँ, बताओ बहस कर मेरे से। तो ये बहुत अजीब अजीब किस्म के 3-4 टुकड़े बना दिए इन्होंने। अभी इन्होंने अभी हमें बताना शुरू किया है कि हल्दी घाटी की बैटल राणा प्रताप जीता था, जो अब तक हम पढ़ते हैं वो गलत है, तो हिस्ट्री भी धीरे धीरे हमारी चेंज होती जा रही है, बदलती जा रही है, और नई हिस्ट्री के लिए फिर से हम एक गाना लेके आए हैं, तो ये ऐसी तैसी डेमोक्रेसी का गाना है, हाउ वी आर डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री, उसका थोड़ा मजा ले रहे हैं हम इस गाने में। चलो हम नेहरू को दबा करके पटेल को उठा लेंगे, और पटेल ने बैन किया था आरएसएस, इस बात को दबा लेंगे, फैक्ट्स को रखो अपनी जेब में, फैक्ट्स को रखो अपनी जेब में, हम तो खेलेंगे जी फीलिंग से, हम हिस्ट्री से खेलेंगे, हम हिस्ट्री से खेलेंगे, हम हिस्ट्री की ले लेंगे, हम हिस्ट्री की ले लेंगे, हम हिस्ट्री से खेलेंगे, हम हिस्ट्री से खेलेंगे, हम हिस्ट्री की ले लेंगे, हम हिस्ट्री की ले लेंगे। जो हल्दी घाटी हारे थे उनको जितवा ही देंगे हम, जो हल्दी घाटी हारे थे उनको जितवा ही देंगे हम, जो हमारे
चिंता में ना हो, उसको मिटवा ही देंगे हम। बदमाश से पंगे लेगा तो भंसाली को पेलेंगे हम। हिस्ट्री से खेलेंगे हम, हिस्ट्री से खेलेंगे हम, हिस्ट्री की ले लेंगे हम, हिस्ट्री की ले लेंगे। फैक्ट्स और हिस्ट्री से हमको ना कुछ लेना है, इसमें तो वो ही जीता है जो सबसे ऊंचा चीखा है। हम भगत सिंह को धीरे धीरे भी अपने खेमे ले रहे हैं। हिस्ट्री से खेलेंगे हम, हिस्ट्री से खेलेंगे हम, हिस्ट्री की ले लेंगे हम, हिस्ट्री की। एंड लास्ट टू मिनट्स, और जो मज़ेदार चीज़ है, एक ऐसे कहते हैं ना, वर्स्ट टाइम फॉर कॉमेडी या द बेस्ट टाइम फॉर कॉमेडी, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि नेशनल साइंस कॉन्फ्रेंसेज में हमारे ग्रेट लीडर बोलते हैं कि पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई थी वो गणेश वाली। नाउ वन लुक एट गणेश एंड यू नो इट हैज़ गॉन रॉन्ग। And the moral of the story is never conduct plastic surgery when you are high. और कि हमने स्पेसशिप बना रखे थे जो इंटर गैलेक्सी ट्रेवल करते थे, यार साइकिल बना लेते, दूध लेने की में आसानी हो जाती। तो जो हमारे तीसरे साथी वरुण ग्रोवर यहाँ नहीं है, उनकी तरफ से मैं एक बोल देता हूँ जाते जाते लास्ट। वो ग्रेट लीडर ने बोला था गुजरात में सरदार पटेल का स्टैचू बनेगा, लौह पुरुष है तो लोहे का स्टैचू बनेगा और दुनिया का बहुत ऊंचा स्टैचू होगा और सब अपने अपने घर से लोहा लेके आएंगे, हर गुजराती अपने घर से लोहा लेके आएगा, वो इंडिजिनस स्टैचू होगा, सारे गुजराती घर से लोहा देंगे, मुसलमानों ने अपनी गांड में से सरिया निकाल के दे दिया, ये लो सर आप ही ने दिया था। एंड थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज ऐसी तैसी डेमोक्रेसी 2/3।